शहर के 19 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इनमें कुल 1,900 लोगों को टीका देने का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा 3,055 लोगों ने टीका लिया। बुधवार को एक बार फिर इस वर्ष के सबसे अधिक 1,152 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से अधिकांश में लक्षण नहीं होने या कम लक्षण होने की वजह से उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 11,750 लोगों की जांच की गई। इनमें 3,733 जांच प्राइवेट लैब, 3,256 जांच एंटीजन, मेडिकल में 1,998 और मेयो में 1,439 लोगों की जांच की गई। अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों से पैसा निवेश करवाकर 30 से 35 करोड़ रुपए का गबन करने वाले एजीएम कॉरपोरेशन के फरार संचालकों की तलाश पुलिस कर रही है। एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुके हैं, अन्य की सरगर्मी से तलाश जारी है। पिछले कई दिनों से किशोरी का पीछा करके नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने वाले मनचले युवक के खिलाफ कोराड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी संजय ओम प्रकाश येड़े बताया गया। वाटोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक सहित दो लोगों ने फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। पहली घटना प्रजापति नगर इलाके में हुई, मृतक पराब दिलीप ढोम ने बताया गया। मानकापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की और विनय भंग किया। पुलिस ने 32 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर में 4 और मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। नगर विकास राज्य मंत्री की ओर से 4 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर काटोल नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदों को अयोग्य घोषित किया गया। 4 दिसंबर के इस आदेश को चुनौती देते हुए अलग अलग 4 याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी। यवतमाल जिले के अरनी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज FIR खारिज करने की मांग करते हुए अमरावती के शिक्षक विधायक किरण राव सरनाइक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।